उत्तर प्रदेश में एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके पूर्व सांसद बेटी संघमित्रा को कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने पिता बेटी को फरार घोषित कर दिया। बिना तलाक लिए धोखाधड़ी करके विवाह करने के मामले में दायर केस में लगातार पेशी पर नहीं जाने के बाद कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी पूर्व बीजेपी सांसद संघमित्रा को कोर्ट ने भगौड़ा घोषित किया है। साफ साफ लिखा गया है, दीपक कुमार स्वर्णकार प्रकरण में लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा समेत तीन लोगों के खिलाफ आदेश जारी किए। सीजेएम तृतीय एमपी एमएलए आलोक वर्मा की कोर्ट ने लखनऊ के गोल्फ सिटी निवासी पत्रकार दीपक कुमार स्वर्णकार की याचिका के संबंध में यह फैसला सुनाया। आपको यह भी बता दें कि इस मामले में आरोपियों को तीन बार सम्मन, दो बार जमानती वारंट और एक बार गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य इस मामले को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट के खिलाफ हाईकोर्ट भी पहुंचे थे, लेकिन वहां पर जस्टिस जसप्रीत सिंह की अदालत ने मौर्य परिवार को कड़ी फटकार लगाई थी और अब ये खबर है कि उन्हें फरार घोषित कर दिया गया। आरोप है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके पूर्व सांसद बेटी संघमित्रा तीन बार सम्मन, दो बार जमानती वारंट और एक बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे, यानी पेशी उनकी थी और नहीं हुए। संघमित्रा स्वामी प्रसाद मौर्य समेत पांच पर दीपक कुमार स्वर्णकार ने मारपीट, गाली गलौज और जान माल की धमकी, साजिश या परिवारवाद के ये आरोप लगाए थे। वादी सुशांत गोल्फ सिटी के रहने वाले दीपक कुमार स्वर्णकार के अनुसार संघमित्रा मौर्य और उनकी शादी हुई जिसे वो नकार रही हैं, पिता धमकी दे रहे हैं और इसी मामले में लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया। पूरा मामला अब समझ लीजिए अंत में कि दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में वादी सुशांत गोल्फ सिटी में रहने वाले दीपक कुमार स्वर्णकार का आरोप है कि बदायूं के सांसद संघमित्रा मौर्य के साथ वह 2016 में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। यह भी बताया गया है कि संघमित्रा और उनके पिता ने वादी को बताया था कि संघमित्रा का पहले विवाह के बाद तलाक हो चुका है। दीपक ने 3 जनवरी 2019 को संघमित्रा से उन्हीं के घर में शादी कर ली। हालांकि बाद में जब उसे पता चला तो शादी की बात उजागर न होने पाए, इसलिए जानलेवा हमला करार दिया गया कि धमकी दी गई कि जान से मार दिए जाएंगे, जिसको लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, केस दायर किया गया था, मगर तीन बार सम्मन और वारंट और एक बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी कोर्ट में जब पेशी नहीं हुए तो अदालत ने उन्हें फरार घोषित कर दिया। अब स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी सांसद संघमित्रा को फरार भगौड़ा बताया जा रहा है कोर्ट की तरफ से, और इसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर तमाम मीडिया चैनल में ये खबर फैली हुई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी फरार है। हालांकि उनकी तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई बयान अभी सामने नहीं आया है। अगर कोई बयान आता है तो न्यूज़ तक आपको जरूर बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।